हमारी पिछली वीडियो में हमने सिंधी हुर्फ़े तहजी यानी सिंधी के अल्फ़ाबेट सीखे थे और आज हम सिंधी काउंटिंग सीखेंगे इंग्लिश, उर्दू और सिंधी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग कहा जाता है। उर्दू में हम कहते हैं इसे 1, 2, 3, 4, 5। अब सिंधी में 1 को कहेंगे हिक, ब, टे, चार, पंज। मैं यहाँ पर रोमन सिंधी भी लिख देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। हिक, ब, टे, चार, पंज। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 6, 7, 8, 9, 10 यानी 6, 7, 8, 9, 10। 6 को कहें 6, 7, 8, 9, 10। 6, 7, 8, 9, 10। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 11, 12, 13, 14, 15 11, 12, 13, 14, 15। अब 11 को सिंधी में कहते हैं यारण, बारण, बारण, बारण नहीं, बारण, तेरहण, चौढ़ण, पंद्रण, यारण, बारण, तेरहण, चौढ़ण, पंद्रण। 16, 17, 18, 19, 20 16, 17, 18, 19, 20 16 को सिंधी में सोरहण, सत्रहण, अड़ीहण, उणीह, वीह। सोरहण, सत्रहण, अड़ीहण, उणीह, वीह। 18 यानी 18 को सिंधी में अड़ीहण भी कहते हैं और कुछ लोग अरहण भी कहते हैं। तो अरहण, उणीह, वीह। हम जल्द ही हाजिर होंगे सिंधी की हुर्फ़े तहजी की रीडिंग को लेकर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।